हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ फरी। तो आज के वीडियो में मैं ये ब्यूटीफुल से लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैंने यहाँ पे दो लहंगे तैयार करे हैं और जो ये ब्लाउज़ है इनकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को इनका ट्यूटोरियल भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें। तो इस लहंगे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 मीटर प्लेन नेट फैब्रिक का यूज़ किया है और 3.5 मीटर सेंटोन फैब्रिक इसकी लाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैंने अपने फैब्रिक को यहाँ पे सिंगल फोल्ड में रखा है। 3.5 मीटर फैब्रिक को, ये सेंटून फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे। तो अब हमें एक कोने को पकड़ते हुए ओरेप शेप में फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे हमारा फैब्रिक फोर फोल्ड में आ गया है। तो सबसे पहले मैं इसकी वेस्ट की मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं वेस्ट की जगह हिप राउंड मेज़र करूँगी जो कि 20 इंच है। 20 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो हमारा 5 इंच आएगा और 5 इंच में 2.5 से 3 इंच तक मैं ऐड कर दूँगी लूजिंग के लिए, तो हमारा 7.5 इंच आया। अब 7.5 इंच को हमें स्ट्रेटली मार्क कर लेना है और फिर जितना आएगा उसमें हमें सर्कुलर एंगल में निशान लगाते जाना है। तो मेरा यहाँ पे 9 इंच आया है। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। तो अब मैं इसी लाइन के नीचे से अपने स्कर्ट के लिए लेंथ मेज़र कर लूँगी जो कि 31 इंच है, इसकी लेंथ रहेगी। ऐसे ही हमें 31 इंच पे मार्किंग कर लेनी है पूरी गुलाई में। और इन सारे पॉइंट्स को हमें मिला भी लेना है। और अब मैं इन दोनों की कटिंग कर दूंगी वेस्ट एंड लेंथ पे, जो हमने मार्किंग करी है उसी के ऊपर इसकी कटिंग कर दूंगी। तो कटिंग भी हमारी हो गई है। तो हमारा लाइनिंग पार्ट तो रेडी हो गया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं इनकी साइड को स्टिच करूंगी, दोनों साइड को, और दूसरी साइड को भी स्टिच कर दूंगी और नीचे से बॉटम भी डबल फोल्ड करके एक स्टिच दे दूंगी। तो यहाँ पे मेरी लाइनिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें फ्रिल के लिए मार्किंग करूँगी। तो मैं अपनी सेकंड फ्रिल के लिए 11 इंच पे मार्किंग करती जाऊंगी। एक फ्रिल तो हमारी ऊपर ही आ जाएगी जो हमने वेस्ट पार्ट कटिंग करी है जहाँ से। तो ये हमारी सेकंड फ्रिल आएगी यहाँ पे 11 इंच पे मैं निशान लगाती जाऊंगी सर्कुलर एंगल में और इन सारे पॉइंट्स को मिलाती भी जाऊंगी। ये हमारी सेकंड फ्रिल आएगी यहाँ पे, फर्स्ट फ्रिल हमारी ऊपर आएगी। और थर्ड फ्रिल के लिए भी हमें 11 इंच पर ही मार्किंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे थर्ड फ्रिल का लहंगा बना रही हूँ। आप कितने भी फ्रिल इसमें ऐड कर सकते हैं, बस आपको लेंथ कम या ज़्यादा करनी होगी जितना भी आपको फ्रिल रखनी है कम या ज़्यादा। और अब मैं यहाँ पे फ्रिल की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 10 मीटर फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है लेंथ वाइज और इनको पिन से सिक्योर कर दिया है ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर मूव ना करे। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि हमारा फैब्रिक इक्वल आ जाए, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो।
अब इसी के नीचे को मैं अपने फ्रिल के लिए लेंथ लूँगी, जो कि 14 इंच आएगी। 11 इंच पे हमने अपनी लाइनिंग में मार्किंग करी थी, और यहाँ पे हमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखनी है, ताकि हमारा वो जहाँ पे हम फ्रिल अटैच करेंगे वहाँ पे थोड़ा हाइड हो सके फ्रिल अटैच करने के बाद। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं आगे तक मिला लूँगी, अब कटिंग भी कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी इन तीनों फ्रिल को एक साथ अटैच कर लूँगी। मैं इनको एक ही फ्रिल बना लूँगी, तीनों को अटैच करके आपस में एक लॉन्ग फ्रिल बना लूँगी। इससे बहुत ही इजी हो जाता है हमें। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर दूँगी, एंड सेकंड थर्ड फ्रिल भी मैं सेकंड वाले में अटैच कर दूँगी। फिर ये हमारी एक लॉन्ग फ्रिल बन जाएगी। को मैं स्टिच करके स्टिच करने के बाद मैं एक साइड ऊपर गैदरिंग कर लूंगी। यहाँ पे मैं ऊपर की साइड गैदरिंग कर लूंगी। तो मैं यहाँ पे गैदर्स बनाने के लिए इस टूल का यूज करूंगी। तो इस टूल से मैं अपने फैब्रिक को अंदर पुश करूँगी, तो ये अपने आप ही गैदर बन जाएंगे। इससे गैदर्स ऐसे पुश करना है और स्टिचिंग देते जाना है। इससे बहुत ही इजी होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। जब तक मैं यहाँ पे फ्रिल बना रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें इसी तरीके से पूरी फ्रिल में गैदरिंग कर लेनी है, बस हमें अंदर पुश करना है और स्टिचिंग देते जाना है, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे गैदर्स कुछ इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे हमारी फ्रिल भी रेडी हो गई है। अब हम इसको अपनी लाइनिंग में अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी लाइनिंग को बिछा लिया है, और इसके बैक एंड फ्रंट दोनों में ही मैंने मार्किंग कर ली है ऐसे ही, जैसे मैंने आपको भी दिखाई। तो सबसे पहले मैं नीचे थर्ड फ्रिल अटैच करूँगी इसमें। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। पूरे राउंड में मैं इसको स्टिच कर दूँगी, आगे पीछे दोनों साइड। और हमारी ये फ्रिल तो लग चुकी है, हमारी पहली लेयर लग चुकी है। अब मैं सेकंड लेयर लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे एक और फ्रिल रखूँगी, और इसको भी पूरे राउंड में स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी सेकंड फ्रिल भी लग चुकी है। अब मैं फर्स्ट फ्रिल को अटैच करूँगी। ये हमारी थर्ड लेयर रहेगी। अब मैं इसको भी फिनिश कर दूँगी। तो इसी के साथ हमारी सारी फ्रिल लगकर रेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारा लहंगा रेडी ही हो गया है। आप देख सकते कि मैंने तीनों फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें बेल्ट को अटैच कर दूँगी। इसके लिए मैंने 3 इंच विड्थ रखी है बेल्ट की, और लेंथ इसी के अकॉर्डिंग रखी है जितना हमारा हिप राउंड है। थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो चलता है, बाद में हम इसको कट कर देते हैं। अब मैं इस बेल्ट को अपने लहंगे के अंदर डालूँगी कुछ इस तरीके से, और पूरे राउंड में स्टिच कर दूँगी। मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी है। अब मैं अपनी बेल्ट को बाहर निकालूंगी। तो बाहर निकालने के बाद मैं इसको थोड़ा हल्का सा फोल्ड करूंगी सबसे पहले, और फिर 1 इंच तक मैं इसको फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच दे दूंगी।
स्टिच लगाने के बाद हमें इसके अंदर अपने इलास्टिक को भी डाल देना है और इसको भी खींचते हुए स्टिचिंग देनी है। तो यहाँ पे मेरी बेल्ट जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पे मेरा पूरा लहंगा तैयार है। तो ये इस लहंगे का फाइनल लुक है। इस ब्लाउज़ को मैंने इसके साथ रेडी कर लिया है। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अपने आने वाली वीडियो में इसका ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूर शेयर करना। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी।